बारात आगमन, अगले चैप्टर का टाइटल। धीरे धीरे शाम होने लगी है और बारात के निकलने का भी टाइम हो जाता है। वीर घोड़ी पर बैठता है जिसमें रोहित और सनी उसकी मदद करते हैं और फिर सभी नाचते गाते मंदिर तक जाते हैं जहां वीर पूजा करके बाहर आता है और रोहित फिर उसका हाथ पकड़ता है और पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर रोहित वीर को गाड़ी में बिठाता है और बारात निकल पड़ती है। फार्म हाउस से कुछ दूर पहले बारात रुकती है और वीर वहां पर बग्गी पर बैठ जाता है और बाकी के सब हंसते गाते और नाचते हुए पहुंच रहे थे। आखिरकार बारात श्रुति के द्वार पर खड़ी थी और वहां खूब आतिशबाजी हो रही थी। इधर श्रुति वीर को देखने खिड़की पर आती है पर उसकी कजिन उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। वीर की नजर भी खिड़की पर जाती है पर तब तक सब जा चुके होते हैं और वीर बस मुस्कुरा कर रह जाता है। सभी गाड़ी से उतरते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं जहां पर संजय जी सभी का स्वागत फूल माला और मैथिली पाग से सबका स्वागत करते हैं। वीर सुरभि और उसके कजिन्स वीर की आरती उतारते हैं और टीका लगाकर अंदर ले आते हैं। वीर स्टेज पर बैठ जाता है और उसके साथ उसके बड़े पापा होते हैं। बाकी सभी लड़कियां श्रुति के पास चले जाते हैं। कुछ देर बाद श्रुति आती है और वीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ता है और उसे स्टेज पर चढ़ाता है। सुरभि दोनों के हाथ में माला पकड़ाती है। जैसे ही श्रुति वीर के गले में माला डालने वाली होती है वीर पीछे हट जाता है। फिर दूसरी बार भी ऐसे होता है तो साक्षी चेयर पर बैठ जाती है। सभी के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है और फिर वीर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और सर झुका लेता है। श्रुति उसे माला पहनाती है और फिर वीर श्रुति के गले में माला पहनाता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं और उन दोनों पर फूलों की बारिश शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद गेस्ट आते हैं और दोनों के साथ फोटोज खिंचवाते हैं। इन दोनों के चेहरों से भी हंसी जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद वीर पीहू और दक्ष को अपने पास बुलाता है और श्रुति दक्ष को पहली बार देख रही थी। श्रुति, कितना क्यूट है ना ये? वीर, हाँ बिल्कुल अपनी भाभी पर गया है। श्रुति, कुछ भी मतलब हाँ। फिर दोनों के साथ कुछ फोटोज खिंचवाते हैं दोनों और फिर श्रुति वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद वीर को लेकर कुछ लड़कियां अपने साथ जाती हैं और परिजन का रस्म होता है। उसके बाद वीर वापस आकर सनी और सबके साथ बैठ जाता है। कुछ देर बाद सभी बाराती खाना खाने जाते हैं और वीर और उसके कुछ दोस्त शादी की रस्मों के लिए अंदर जाते हैं। वीर वहां पंडित जी के साथ मंडप में बैठ जाता है और मंत्र पढ़ने लगता है। इधर रोहित संजय जी और बाकी सबके साथ मिलकर बारात को खाना खिलाते हैं। मंडप में जब पूजा हो जाती है तो उसके बाद वहां श्रुति को बुलाया जाता है और बाकी की रस्में शुरू हो जाती हैं। फेरे, मंगलसूत्र और फिर सिंदूरदान। जब संजय जी कन्यादान के लिए आते हैं तो श्रुति की आंखें नम होती हैं। वीर उसके हाथ पकड़कर इशारे में शांत रहने को कहता है। संजय जी जब श्रुति का हाथ वीर के हाथ में देते हैं तो बोले, बेटा हम अपनी प्यारी बिटिया का हाथ आपके हाथ में दे रहे हैं, इनका ख्याल रखना। वीर, आप चिंता मत कीजिए, हम हमेशा ख्याल रखेंगे इनका। बाद में जब लावा छिड़कने की बारी आती है तो श्रुति रोहित को बुलाने को कहती है और रोहित श्रुति के हाथ में लावा रखता है और श्रुति उसे पीछे वीर की तरफ फेंकती जाती है। सारी रस्में खत्म होने के बाद पंडित जी, शादी की सभी रस्में खत्म हुई, जो वादे आप दोनों ने फेरे लेते हुए वक्त किए उनका हमेशा पालन करना और अब जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। वीर और श्रुति सभी का आशीर्वाद लेते हैं और जब अंजना जी और रीमा जी की बारी आती है तो श्रुति तो उनके पांव छूती है पर वीर बस हाथ जोड़कर नमस्ते कर लेता है। उसके बाद सभी विदाई की तैयारी में लग जाते हैं और वीर, श्रुति अपने दोस्तों के संग बैठे थे। श्रुति का चेहरा उदास था तो वीर, अरे अब ऐसे मुंह बनाकर मत बैठो यार। श्रुति कुछ नहीं बोलती। वीर, देखो आप रोओगे तो हम भी रो पड़ेंगे और वो अच्छा नहीं लगेगा। श्रुति बस वीर की तरफ देखती है और चुप बैठ जाती है। कुछ देर बाद पंडित जी आकर बताते हैं कि विदाई का वक्त हो गया है। श्रुति की आंखों में अपने पापा और अपनी बहन से दूर जाने के गम में आंसू होते हैं और वो खूब रोती है। अंत में वीर उसे गाड़ी में बिठाता है और फिर सभी निकल पड़ते हैं घर की तरफ। वीर के साथ रोहित और प्रिया थी। वीर श्रुति का सर अपने कंधे पर रख लेता है और उसकी आंसू साफ करके उसे चुप करवाता है। करीब एक घंटे बाद सभी घर पहुंचते हैं। पूरे रास्ते श्रुति चुप रहती है। घर पहुंचने पर वीर श्रुति का हाथ पकड़कर बाहर करता है और फिर दोनों घर के गेट पर पहुंचते हैं जहां पर बड़ी माई का लोटे में चावल रख देती हैं और श्रुति उसे पैर मारकर अंदर आने वाली होती है कि साक्षी आकर गेट पर खड़ी हो जाती है। वीर, क्या हो गया? साक्षी, ऐसे कैसे घर के अंदर आओगे, द्वार छिकाई? वीर, अच्छा क्या चाहिए बोल। साक्षी, आपकी मर्जी,
फिर वीर रोहित को इशारा करता है और वो साक्षी, कविता, रजनी, शिवानी और पीहू के लिए गिफ्ट का पैक लेकर आता है और वीर उसे साक्षी के हाथों में पकड़ा देता है। फिर सभी अंदर आते हैं और फिर एक परात में प्रीति लाल रंग का लेप ले आती है और श्रुति अपने हाथों का निशान दीवार पर बना देती है। उसके बाद श्रुति से मिलने आसपास की ढेरों लेडीज आती हैं, तो वहीं बड़ी माँ और प्रीति चाची के साथ बैठ जाती हैं और ढेरों लोग उनसे मिलकर जाते हैं। वहीं वीर चेंज करके बाकी सबके साथ बैठ जाता है। पूरा दिन इनका सभी इन्हीं सब में बीत जाता है। इधर श्रुति भी शाम के वक्त फ्रेश होती है और साक्षी सबके साथ बैठ जाती है। वीर अगले दिन रिसेप्शन की तैयारियां देखने लगता है। रात के वक्त सभी डिनर साथ करते हैं और थकान की वजह से सभी जल्दी सो जाते हैं। वहीं वीर, सनी, राजीव और रोहित काफी देर तक हलवाई के पास बैठे होते हैं और टेंट वाले को भी बता रहे थे कि क्या करना है और क्या नहीं। राजीव, सुन श्रुति अकेले होगी, उसके साथ जाकर बैठ जा थोड़ी देर। रोहित, हाँ सही कह रहा है। वीर, जाता हूँ थोड़ी देर में। सनी, थोड़ी देर नहीं, अभी निकल, हम सब है यहाँ पर, सब देख लेंगे। फिर तीनों वीर को भेज देते हैं। वीर जब कमरे में जाता है तो श्रुति सो चुकी होती है। वीर वहीं पर खड़ा थोड़ी देर उसे देखता रहता है और फिर उसके बगल में जाकर लेट जाता है। थकान की वजह से वीर को भी नींद आ जाती है और श्रुति का हाथ पकड़कर सो जाता है। सुबह के वक्त राजीव और रोहित मंडी से सब्जियां और फ्रूट्स लेने चले जाते हैं और सनी अंदर आकर बाकी सबके साथ चाय पीता है और फिर बाकी के काम देखने लगता है। इधर श्रुति की जब नींद खुलती है तो वीर को अपने बगल में पाती है और उसके सीने पर सर रखकर लेट जाती है। कुछ ही देर में वीर की भी नींद खुल जाती है। वीर, गुड मॉर्निंग। श्रुति, गुड मॉर्निंग। वीर, ठीक हो आप? अब थकावट तो नहीं लग रही? श्रुति, नहीं अब ठीक हूँ। वीर, तो उठ जाइए, मैं भी बाहर देखता हूँ। श्रुति, ठीक है। और वीर वहां से उठकर जाने लगता है। श्रुति, वीर। वीर रुककर श्रुति की तरफ देखता है और श्रुति अपनी बाहें फैला देती है। वीर जाकर उसके गले लगता है और श्रुति अपने होंठ वीर के होंठ से मिला देती है। वीर कुछ देर बाद अलग होता है और श्रुति का माथा चूमकर बाहर आ जाता है। इधर साक्षी फिर श्रुति के पास चाय लेकर आती है। वीर भी बाहर जाकर सबके साथ बैठता है और चाय पीने के बाद बड़े पापा उसे बुलाते हैं। बड़े पापा, वीर आपने देव को भी कहा है आज के लिए? वीर, बड़े पापा मैंने संजय अंकल से बात की थी और उन्होंने कहा था कि आज सबके साथ आने को, अब आगे उनकी मर्जी, आएंगे तो भी अच्छा और ना भी आए तो भी अच्छा। बड़े पापा, ठीक है। दोपहर के वक्त संजय जी अपनी पूरी फैमिली और गेस्ट के साथ वीर के यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बड़े पापा सबका स्वागत करते हैं। कुछ देर बाद वीर भी आता है और वो सबके पांव छूकर अंदर अपने कमरे में किसी काम से जाता है कि उसी वक्त रीमा जी और अंजना जी वहां पर आते हैं। वीर जी, कोई काम था? रीमा जी, सोच रही हूँ इस कमरे को कैसे सजाऊं। वीर मुस्कुरा देता है। रीमा जी, वीर ये बात गलत है, आपने हमारी जीत पर हमें मुबारकबाद भी नहीं दी। वीर बस मुस्कुरा देता है। अंजना जी, क्या हुआ, सदमा लगा है क्या? कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो श्रुति का क्या होगा? वीर, मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि इसे आप लोग अपनी जीत समझ रहे हैं, मतलब हद है, क्या ही दिमाग पाया है आप लोगों ने। रीमा जी, तुम अपने परिवार से दूर हो गए, इसे जीत नहीं कहे तो और क्या कहें। वीर, मुझे आप उनसे दूर कर सकते हैं, उनके दिल से नहीं। और रही बात जीत की, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं श्रुति पर अब और आप लोगों की मनहूस साया नहीं पड़ने दूंगा, वरना यकीन मानिए इस वीर प्रताप सिंह के सामने एक पल नहीं ठहर पाते आप लोग। अंजना जी, अब तुम कुछ भी बोलो पर सच्चाई तुमसे छुपी थोड़ी ना है। वीर, आप लोग गलत सोच रहे हैं। और रीमा जी की तरफ देखकर, मिस्टर देव ने बात की थी मेरे औकात के बारे में और सोचिए जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी प्रॉपर्टी और पैसे के लिए आपने क्या किया तो जरा सोचिए उन पर क्या गुजरेगी। और जोर से हंसने लगता है। रीमा जी और अंजना जी का चेहरा उतर जाता है। वीर, और जरा ये भी सोच लेना, जब राजीव, कविता और बाकी सबको सच्चाई पता चलेगी तब आप दोनों का क्या होगा, मतलब जैसे ही आप कहेंगे कि सारी प्रॉपर्टी आपके नाम है तो। वाह, मेरी हार या आप दोनों की हार, जरा सोच लेना। अंजना जी, तुम दोनों तो दूर हो जाओगे ना हमारी नजरों के सामने से, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। वीर, तो आप दोनों उलझे रहें अपनी सोच में, जल्द आप दोनों का सच्चाई का पता चल जाएगा।